जो डेकोरेशन आपने पूरा करवा के रखा है इसको बनवाने में टोटल कितना अभी तक पड़ा है आपको? 350 रुपए का भाई ने लाइट भी अलग से लगा के रखा है, हालांकि बंपर पे अच्छा बताइए, बंगाल चलाते हैं आप लोग, चलान भी होता है। आप लोगों का काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि भाई इस तरीके से गाड़ी बनवाने में कितना खर्चा आता है, आप लोगों को बताने वाले हैं। काफी हमारे बंगाली भाई लोग हैं और हमारे सब मित्र ही हैं, ठीक है, और काफी बंगाली गाड़ी है ये, बंगाल में बना हुआ गाड़ी है। कितना रुपए लगता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्चुअली भाई लोग बंगाल के रहने वाले नहीं है, रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन बंगाल में प्रॉपर बस गए और बंगाल का गाड़ी चलाते हैं। किसी का अपना गाड़ी है, किसी का भाड़े पे गाड़ी है, क्या भाई सही बोले। चलिए आप लोगों को बताते हैं, हमारे साथ आज सोनू भाई है जो कि हमारे मित्र हैं, काफी दिनों से इनसे बातचीत है। इनका एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी है, और भी गाड़ी है, और ये गाड़ी पता एक्सीडेंट हो गई थी भाई। कितना रुपये लगा बनाने में? नहीं हुआ था, दूसरा हुआ था, दूसरा हुआ था, वो अभी नहीं रेडी हुआ। कितना खर्चा लग रहा है उसका? उसका लगभग तो 5 लाख खर्चा हुआ है, मगर 5 लाख इंश्योरेंस क्लेम कितना परसेंट दे रहा था वो कंपनी? तो 90% दिया, 10% मेरे को देने। चलिए बहुत सही भाई ने कवर किया है। चलो भाई और आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा गाड़ी अगर आप बनवाने जाएंगे मार्केट में तो कितना रुपए लगेगा। सबसे पहले ये बता देते हैं, अगर इस तरीके की गाड़ी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा तो आप लोग ये समझ लेना कि बंगाल गाड़ी है, आसनसोल में ढाला बना है या फिर दुर्गापुर में बना है, ठीक है। ये दो जगह में ऐसा आपको ढाला बनने को दिखे, मतलब बना बनाया मिल जाता है। और सोनू भाई इधर आ जाइए एक मिनट। अच्छा ये बताइए, ये कितने रुपए में इसको खरीदते थे आप? इसको तो हम 1500 में खरीदे, भाई ने 1500 में खरीदा था, और भाई कुछ बता रहे थे कि आप अपने से अगर खरीदते जाके तो 1200-1300 मिल जाता, ठीक है। तो ये बताइए कि इस गाड़ी में जो डेकोरेशन आपने पूरा करवा के रखा है इसको बनवाने में टोटल कितना अभी तक पड़ा है आपको? अभी तक तो लगभग जितना डेकोरेशन हम कराया है बॉक्स लेके लगभग 75,000 रुपये। 75,000 रुपये आपने लगा दिया है। चलिए ये सब देखिए, 350 रुपये का भाई ने लाइट भी अलग से लगा के रखा है, हालांकि बंपर पे अच्छा बताइए, बंगाल चलाते हैं आप लोग, चलान भी होता है आप लोग की गाड़ी के लिए? नहीं, जो लोकल गाड़ी के लिए नहीं। चलो हम लोग जाते हैं, काफी परेशानी में झेलना पड़ता है। और इसको कितने में लगवाए थे भाई? इसको 650 में लगाए, दोनों 650 में की एक एक 650 में। अच्छा ये लाइट दोनों 1000 का है, दोनों 1000 का, काफी बेहतरीन चलता है, ठीक है। आसनसोल में हमारे काफी मित्र हैं जो कि भेजे थे, लेकिन सोनू भाई गाड़ी में भी लग चुका है ये। और ये ऊपर का ये भी कंपनी से मिलता है, मतलब कंपनी का तो नहीं रहता है, लेकिन इसको और ढाला बनवाने में इधर आ जाइए, कितना खर्चा लगता है? ये जैसे ये हो गया, सीढ़ी आपने अलग से लगवाया है, काफी बेहतरीन सीढ़ी, आपको चढ़ के भी दिखा देते, ये देखो आराम से इसमें 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो का आदमी चल सकता है, देखो ठीक है, ऐसे चल सकते हैं। कुछ भी आपको अंदर रखना हो, कुछ भी करना हो, आराम से अपने काम को कर सकते हैं। भाई इस तरीके से जो बॉडी है पीछे का बनवाया है, कितना खर्चा लग जाता है? 55,000 रुपया लगा है इसमें पूरा बनाने में। 55,000 रुपया पूरा A to Z पीछे से लेके सामने तक सब कुछ चैनल लगाया, पीछे से लेके सामने तक सीट बनाया है, 55,000 रुपया। चलिए एक बार अंदर का व्यू चेक करें भाई आप लोग, ये देखो, ये एक्चुअली ये बंगाल में बनाया जाता है, बाकी हर जगह बनाया जाता है, लेकिन बंगाल का फिनिशिंग थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। इसमें आराम से एक ड्राइवर सो सकता है, खलासी भी सो सकता है आराम से, मतलब दो लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो जलता है, लाइट भी भाई ने अलग से लगवा के रखा है, हालांकि कंपनी से ही काम चल जाता है, लेकिन ठीक है, शौकीनिया तौर पर इसको अलग से लगवा सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग से कवर लगाया गया है, यहाँ पे बाजा है। अच्छा सोनू भाई, बंगाल में बाजा के लिए यार काफी प्रॉब्लम करता है आपके गाड़ी के? नहीं, हम लोग नहीं करता है बहुत सही भाई। चलो हम लोग जाते हैं ना तो देखता है कि भाई बाजा लगा है कि नहीं, इसके लिए भी प्रॉब्लम, इसी वजह से अपने गाड़ी में बाजा नहीं लगवा रहे भाई। नहीं तो ऑडियो पेपर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितने रुपए का ऑडियो पेपर बनता है? लगभग 1000 रुपए लगेगा, 2 साल का। 2 साल का भाई ऑडियो पेपर भी बनता है, मतलब अगर आप गाड़ी में बाजा एक्स्ट्रा अलग से लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए कागज बना के दिया जाएगा। अगर आपसे बोलेगा बंगाल पुलिस की भाई आपका कागज है, आपने क्यों लगाया है, ठीक है, तो आप उसको दिखा सकते हैं, तो आपका गाड़ी का चलान नहीं होगा, बच सकते हैं। देखो अंदर का दिखा दिया, अब आ जाते हैं, ये देखो ब्लैक कलर का शीशा, आप लोग बोले थे मना है। तो सुनो भाई, आपको कभी कोई दिक्कत? पुलिस के सामने नहीं, नीचे उतार देते हैं। चलो ये चीज आप सही करते हैं, हालांकि ये देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक लग रहा है, ठीक है, एक गाड़ी में और लगा था उसमें 20% था, लेकिन अगर हल्का ब्लैक होगा ना, थोड़ा सा और कम ब्लैक वाला भी आता है, उसको लगवाने से क्या होगा ना, पुलिस वाला भी कुछ नहीं बोल सकता, मतलब 20% या फिर 30%, ज्यादा हमें नॉलेज नहीं इसके बारे में, 20% या फिर 30% ब्लैक आप लगा सकते हैं, मतलब बाहर बंदा खड़ा होके अंदर क्या हो रहा है ये चीज को कवर किया जा सके। ये देखिए यहाँ पे बोलेरो का भाई ने अलग से लगवाया है, ये कितने का पड़ा था भाई? 100 रुपए का दोनों। चलिए बेहतरीन है, सीढ़ी दिखा दी आप लोग को, और ये देखो पूरा यहाँ पर लाइट लगाया गया, ये देखो 1-2 बल्ब, बहुत सारा लाइट है रात को चलने पे ना, क्योंकि भाई लोग सब्जी में ही गाड़ी चलाते हैं, रात को जब चलता होगा गाड़ी तो काफी बेहतरीन लगता होगा देखने में। एक गाड़ी देखिए, जाइए, ये सब भाई बंगाल टाइगर है। चलो भाई बंगाल टाइगर आ जाता है पीछे की तरफ, तो ये जो कुछ बॉडी का लुक है ना, कुछ सेक्सी टाइप का लगता है, क्योंकि ना ही ज्यादा ऊपर हाइट और ना ही ज्यादा नीचे, एक सेक्सी बॉडी बनाया गया है, किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं होगा और कहीं से भी ये बॉडी निकल जाएगा, मतलब क्या होता है बहुत जगह पे ना भाई,
बैरियर लगा होता है तो हम लोग का गाड़ी नहीं निकल पाता है। मतलब अपना जो ढाला है उधर अपनी गाड़ी खड़ी है, वो थोड़ा सा हमारा चौड़ा बॉडी है। एक्चुअली जब हम बॉडी बनवा रहे थे तो हमें कुछ पता नहीं था, नॉर्मली पहुंच गए भैया हमारे गाड़ी का बॉडी बना दीजिए, हम इस लाइन पर पता ही आप लोगों को सिर्फ 2 साल से आए हुए हैं और अपना ही गाड़ी खुद का निकाले 2 साल से हम चला रहे हैं, हमें कुछ भी जीरो नॉलेज था। तो पहुँच गए थे और 25,000 रुपये में अपने गाड़ी का बॉडी बनवा लिया। और ये देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है कोलकाता टू वाराणसी, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आसनसोल का नंबर है, ठीक है यहाँ पे देखिए स्टॉप वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है व्लोब हॉर्न, ठीक है सब लिखा हुआ है, मस्त भाई है। तो इस तरीके का अगर आपको कहीं पे काम करना है तो सिर्फ बंगाल में होगा, और कहीं पे अगर होता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये देखिए भाई का इंस्टाग्राम आईडी अगर है, फॉलो करना है तो फॉलो कर लेना। देखो भाई गाड़ी का पूरा पूरा लुक ये देखो। चलो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिएगा।